वीडियो तो नहीं कौन से मंदिर जा रहे हैं। तो मैं श्वेता एंड शायद नेहा, अभी उसका कंफर्म नहीं है। तो चलो बाय गाइस, बहुत लेट हो रहा है और जल्दी से चलते हैं और मिलती हूँ मैं श्वेता से और देन आप सबको लेके चलती हूँ मंदिर, कहीं ना कहीं अच्छी ही जगह जाएंगे। तो आज मैंने पहनी है साड़ी, चलो लेट्स गो। क्योंकि नहीं, अब क्या होगा ना, अब अगर हम लेट भी होंगे ना तो हम दीदी घर पर रुक जाएंगे। तो हेलो गाइस, फाइनली हम लोग रेडी होके आ गए हैं और श्वेता भी आ गई है, अभी खड़ी है। एक्चुअली श्वेता की फैमिली भी जा रही है, श्वेता की दी जा रही है, जीजू जा रहे हैं और उनके बच्चे। हाँ ठीक है, काफ़ी कुछ। अभी मत करवाना, अभी पहले फोटो निकाल, रुक जा, अभी कर रही हूँ। तो गाइज, श्वेता कह रही है फ़ोटो निकालने की, तो पहले इसका फ़ोटो निकाल देते हैं। तो गाइज, मैंने पहनी ये वाली साड़ी, आई हो बहुत अच्छी लग रही होगी। और मुझे, लेकिन जब मैं आ रही थी ना तो मेरे को एक कॉम्प्लीमेंट मिला, जो नीचे थी पुलिस जो मैम थी, उन्होंने मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया, बोला आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैंने बोला थैंक यू। तो चलो गाइज, चलो इसका पहले पिक्चर निकाल देती हूँ, वरना ये मेरा दिमाग खा जाएगी। चल कर अब चुपचाप। हो गया तेरा गाइस। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं, देखो यहाँ से मेट्रो से साफ दिखाई दे रहा है, ये मंदिर है। हेलो गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं छतरपुर मेट्रो स्टेशन और यहाँ पे हम लोग आए मंदिर। सॉरी यार, ये भी बज रहा है और एकदम बिल्कुल पास में बज रहा है, तो आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, बट अभी श्वेता एक्चुअली कर रही है, देखो। एक्चुअली इसका चल रहा है अभी मेकअप, जल्दी कर, आप दिमाग मत खराब कर मेरा, मैं वेट कर रही हूँ मंदिर, देखो यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है। तो गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली छतरपुर मंदिर और आप लोग देख सकते हैं यार, इतना बड़ा मंदिर है ना ये, मतलब दोनों साइड है, आगे रोड, बीच में रोड जा रहा है और आगे दोनों साइड मंदिर है। तो एक्चुअली जो देवी माँ का मेन मंदिर था उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ कि हम लोग अंदर जा ही नहीं सके। इस मंदिर से मतलब लाइन लगना स्टार्ट हुई है, जो दूसरा मतलब रोड के जो उस पार मंदिर है ना, जिसमें अभी हम आए हुए हैं, इससे लाइन लगी हुई है उसके लिए, देवी माँ के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे भी कुछ ये इस तरीके का देखो सजा हुआ था, बहुत ही प्यारा मंदिर है यार। मतलब खाली देवी माँ का ही नहीं, जैसे कि हनुमान जी की भी एक बहुत बड़ी मूर्ति है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे अंदर दर्शन करने के लिए। यहाँ पे भी काफ़ी भगवान जी की मूर्तियाँ थी और ये भी एक मंदिर है, और जो देवी माँ का मेन मंदिर है हम वहाँ पे नहीं जा सके, देवी माँ के दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि वो इतनी भीड़ की वजह से, अगर हम लाइन में भी लगते तो हमें बच जाता, रात के दो तीन तो बज ही जाते लाइन में लगने के बाद माँ के दर्शन करने के लिए।
तो फिर हमने सोचा कि चलो फिर कभी आते हैं और माँ के दर्शन करेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखो देवी जो देवी माँ जो है ना, जो छतरपुर वाली देवी माँ, वो पूरी सोने की बनी हुई है। तो मैं सच में उनके दर्शन तो ज़रूर करना चाहती थी और आप सबको भी कराना चाहती थी, बट मैं नहीं करा पाई। बट एक्चुअली कुछ पिक्चर्स मुझे मिले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हैं वो पिक्चर्स। और यहाँ हमारा चल रहा था फोटोशूट, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, देखो ये पूरी लाइन लगी हुई है और ये बहुत दूर से लगी हुई है। और नीचे कहीं अंडर पास से होके ये जो दूसरा मंदिर है ना, रोड क्रॉस करके, मैं अभी आपको दिखाऊंगी कहाँ पे है। सामने ही जस्ट रोड क्रॉस करेंगे तो वो देवी माँ का जो मेन मंदिर है, जो मैं सोने की मूर्ति माँ की बता रही हूँ, देखो ये जो है, ये हैं जो जिनके दर्शन करने के लिए हम गए थे देवी माँ के, लेकिन हमें दर्शन नहीं हो पाए भीड़ की वजह से। देखो कितनी ज़्यादा लोग दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, तो हम लोग नहीं दर्शन कर पाए थे। तो हमने सोचा कि बाद में कभी आएंगे तो करेंगे। तो मैं पूरी आपको भीड़ दिखा देती हूँ। लाइन ना बहुत ज़्यादा लंबी लगी हुई है, देखो ये पूरी लाइन, मतलब जो मेन लाइन है ना, उसके बाद भी ये सब पूरा घूम के लगे हुए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, जो मैं बता रही थी ना आप सबको अभी कि बहुत बड़ी वाली मूर्ति है हनुमान जी की, तो उन्हीं के दर्शन करने के लिए अभी हम लोग। गाइज हमें लग रहा था यहाँ पे भीड़ नहीं होगी, बट यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्राउड है। ज़्यादा भीड़ है ना कि हम जा भी नहीं सकते हैं। मैं सारा भीड़ भाड़ दिखा देती हूँ। हाँ वो तो कर सकते गई थी फ़ोटो शूट कराने के लिए कि चलो कोई एक हनुमान जी के साथ में कोई पिक्चर क्लिक कराती हूँ, लेकिन देखो यहाँ पे हमारा पिक ही नहीं शूट हो। मैंने श्वेता का भी ट्राई किया, ना तो मेरा ही हुआ था ना ही श्वेता का, तो बस हम जैसे ही दो चार वीडियो निकाल पाए वही हमने किया। और ये देखो कितनी बड़ी मूर्ति है, और जो मैं बता रही थी ना आपको रोड क्रॉस करके देवी माँ का जो मेन मंदिर है वो ये है सामने जस्ट। तो लेकिन हम यहाँ पे जा नहीं पाए थे अंदर, एंट्री ही नहीं थी, और इवन यहाँ प्रसाद भी था सब कुछ, लेकिन हमें ना तो प्रसाद ही नसीब हुआ और ना ही माँ के दर्शन। जी का भाई राज वो है, ये ले ले तो भाई दे दो, कोई बात नहीं है भाई तो भाई तो गाइज़ अभी हम लोग जा रहे थे श्वेता की दीदी के घर पे। श्वेता उनसे मिलने जा रही थी क्योंकि पास में ही घर था, लेकिन हम लेट हो गए तो रात में हम वहीं रुक गए थे। और ये रास्ते में हमें मिला पांडाल, जो कि देवी माँ का लगा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। और यार यहाँ पे ये देखो जो डांस परफॉर्मेंस चल रहे थे यार, औसम थे। ये जो एक्ट था बहुत ज़्यादा डरावना था। एक लड़की तो मतलब ये जब उसके पास आई तो वो रोने ही लगी, इतना ज्यादा डरावना था ये वाला एक्ट।
गाइस यहाँ पे ही पांडाल के अंदर ही कुछ शॉप थे जहाँ पे आप खरीद के कुछ भी खा सकते हो, तो हम लोगों ने खाया ये, मुझे तो नाम भी नहीं पता है डिश का, एक्चुअली ब्रेड पकौड़ा था और दूसरा कुछ भी था जो कि मुझे नाम नहीं पता है कि क्या था। रात के 12 बज रहे हैं और नए पूजा करने का है ना, सर पे तो रख ले। सारी डालना पापा पे। चलो मैं और गाइज ये है पूरा एम्स का अंदर, जी जो हमें लेके जा रहे थे छोड़ने के लिए मेट्रो, तो ये पूरा एम्स का ही है। हेलो गाइस, तो रात में हम लोग रुक गए थे श्वेता के घर पे, अभी बस उठ के सीधे चले आ रहे हैं और साथ में है जीजू श्वेता, और क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था फिर हम इसीलिए घर पे नहीं गए, देन अभी घर पे जा रहे हैं वापस। अभी 6 बजे ओपन हो गई ना मेट्रो, हम 20 मिनट पहले आ गए तो इसीलिए वेट कर रहे हैं साउथ एक्सटेंशन। तो गाइज ये वाला ब्लॉग भी आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, बट मैं बहुत ज़्यादा लिटरली थक गई हूँ क्योंकि सुबह सुबह 5 बजे हम लोग उठ गए निकलने के लिए, मतलब 5 बजे उठे थे और घर से हम निकले थे 5:20 पे, 5:30 बजे ऐसे ही निकले थे, तो 44 पे हाँ आ गए थे, घर पास में ही है श्वेता की दी का इसीलिए। तो बस वेट कर रहे हैं मेट्रो का गेट ओपन होने का, देन हम जाते हैं घर। बहुत थकान हो रही है लिटरली। बाय।